Hey guys, welcome back my new video. तो अभी हम जा रहे हैं विजय रिया ब्लॉग्स के घर पे, मतलब विजय भैया के घर पे, क्योंकि वो लोग आए हुए थे, आप लोगों को तो पता ही है, और हम मिल नहीं पाए थे. तो इस बार सोचे क्यों ना हम चले जाएं. और अभी तो हम रेडी हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी अभी तक आया नहीं है और गाड़ी कुछ ही देर में अभी आने वाला है. और अभी देखिए मेरी मम्मा, हम जो कपड़ा पहने थे थोड़ी देर पहले वो ना पूरा ना मतलब अजीब ही लग रहा था, तो वही अभी हम सिलवाए थे, दबाए थे, तो उसको खोल रही है. और अभी मेरी भुटकी इधर आई है. हेलो बोलो. हेलो हेलो. थोड़ा सा मतलब भुटकी को फीवर हो गया है, शायद बारिश में भींग गई, दवा भी जबरदस्ती खानी थी, और फोन मिलते ही बच्चा ठीक हो गई है ना. और देख सकते हैं पूरा है मौसम बारिश बारिश. और हम लोग का बकरी के लिए खाने के लिए यहाँ पे पौधा रखा हुआ, जो कि ग्रीन ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है. भुटकी क्या देख रही है मोबाइल पे? अंजलि वीडियो. तो बंद है. गुल्ला मिला. अकेले अकेले खाएगी, हमको नहीं खिलाएगी. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामगढ़ का पटेल चौक. अभी आ रही यहाँ पे हनी जी. बोली हनी, मतलब हम बोले उनको चलिए साथ में, तो बोली हनी ठीक है हम लोग साथ में चलेंगे. तो हनी अभी आ ही रही है. आ गई हनी, बहुत लेट में आई हनी जी. और अभी हम लोग चलेंगे जल्दी जल्दी ना. हाँ. चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा मिठाई का शॉप पे आए हुए हैं. कौन सा मिठाई खरीदें बहुत कंफ्यूज है. हमको ये पसंद आ रहा है, लेकिन हनी बोलती अच्छा नहीं लगता. नहीं लगता? नहीं लगता है, पता नहीं, हम कभी ट्राई नहीं किया है. तो अभी हम लोग रसगुल्ला ही ले लेते हैं. बारिश भी इधर हो रहा है और भैया के लिए मीठा ले लिए है, साथ ही भाभी के लिए कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं हम लोग. क्या ले रहे हैं? ये संतरा और सेब. बाबू हमको बहुत महंगा बता रहे हैं. और ये भी दे दीजिए ना, कम करके हमको बाबू दे दिया. थैंक यू. अरे कौन से ले लें? गाइस देखिए इधर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, कितना सुंदर सुंदर पहाड़ होगा ना. हे गाइस, तो अभी देखिए पीछे में दिख रहे हैं पहाड़ पहाड़, जो कि बहुत मस्त सीन है. और मेरे घर साइड में ऐसे पहाड़ देखने को मिलता नहीं है. और विजय भैया थोड़े से गए हुए हैं मुरी के साइड में, तो हम लोग सोचे क्यों ना रुक के यहाँ का व्यू दिखाएं. बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, पूरे रास्ते भर में बस पहाड़ी पहाड़ देखने को मिला. और लग रहा है यही वाला पहाड़ के पास में विजय भैया का घर है. हम सच में लेते जाएंगे इसको टांग के, हनुमान जैसा रसल गा के ना. ये लोग बोरे लेते जाओ. अच्छा वो सुंदर लग रहा है ना, हम देख के खुश हो रहे हैं. तो ये लोग मेरे को बोरे लेते जाओ पहाड़ को. देखिए भैया लोग आ गए इधर ही से. इतना जल्दी आ गए आप लोग? स्कूल भी आ गए हैं, फिर हम लोग चलते हैं उनके घर पे. बारिश भी हो रहा है इधर. देखिए ये वाला फाटक, और यहीं से भैया लोग अंदर चलते हैं. और पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है ना. हम लोग थोड़े से आगे भी रुके हुए थे. हाँ हम लोग सोच रहे कहाँ पे घर ही सामने है. हरा जो घर दिख रहा है, पहले यहाँ रहते थे और आज लोग यहीं रहते हैं. अच्छा तो ये देखिए विजय भैया का ये पुराना घर है और उनका छतरों का मंदिर. बच्चा चांदनी 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 एक बार हेलो बोलिए. हेलो बोल दो बोल. शर्मा रही है ना नया चेहरा देख करके. हाँ फिर वो भी नहीं शर्माएंगे. कितने क्लास में भी है? एलकेजी में. अच्छा एलकेजी. और वो न्यू वाला घर है ना, सपनों का घर. और भाभी सब कहाँ? वही. चलिए अभी हम लोग चलते हैं भैया का न्यू वाले घर पे, क्योंकि अभी भाभी लोग, इनकी मम्मी लोग सब वहीं पे हैं. और उस दिन मम्मी लोग भी आपके घर गए थे ना. हम लोग गए थे वाटर पार्क, सभी लोग ही है. और एक मतलब मेरा ही फ्रेंड है वो, सभी चैनल है साइंस शंकर, तो वो बोला कि चलो चलते हैं अंतिका का घर. तो मतलब चलो. और कुछ दिन पहले ये मैसेज किया था उसके, एक दिन पहले शायद. हाँ. आप रिप्लाई देने में थोड़ा सा, मतलब हम रिप्लाई किए थे, लेकिन उनको बोले ना अगर हम जाएंगे तो ये हम बता देंगे बोल के. हाँ. तो ये नहीं बोले कि घर आएंगे, सो नहीं बोले थे ना. और जैसे मेन बात ये भी होता है ना कि बहुत लोग सोचते हैं कि क्या पता फेंक है कोई, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी कितने लोग आके फोटो खिंचवाते हैं. कोई बोल देगा नहीं विजय का भाई बोल रहे, तो कोई बिलीव नहीं करेगा. हाँ वही ना, मतलब कोई भी आके फोटो क्लिक करके ये कर देता है ना, तो कोई भी कर सकता है. हो सके मतलब विश्वास नहीं आओ आ रहे होंगे.
और वहाँ पे एक कुआ है, मतलब वो गड्ढा टाइप का है। अच्छा, हमेशा पानी रहता है, हमेशा कितना भी गर्मी आए ना वहाँ पानी रहता ही है। हम लोग का जैसे मार्सली पहाड़ है ना, वहाँ पानी रहता ही है, सारे कोई पूजा करने जाते हैं उसी टाइप से ये पहाड़। हर जहाँ कुछ न कुछ ऐसा चीज रहता है, मतलब मतलब कि विचित्र चीज। और देखिए अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं सपनों का घर में, विजय भैया के घर पे। अभी मम्मी कुछ बना रही है यहाँ पे। लीजिए मम्मी, आज तो मेरे घर गए नहीं थे उस दिन, बस भैया को भेजती। मुन्नी का बताइए। हम सोचे किंडर जॉय लेंगे, लेकिन इधर उनको दुकान में सब कुछ भी नहीं मिल रहा। इधर है, आइए बैठिए। हाँ, फुटल घर। आपको तो कितना सुंदर है, कलर भी कितना सुंदर लग रहा है। फुटल घर ने मेहनत कर घर, फुटल घर ने ये इतना सुंदर घर है भैया। भाभी भी इतनी सुंदर है, आज हम फर्स्ट टाइम सामने से देख रहे ना। चांदी पूरा डांस कर रही है, डांस करो। और देखिए इधर भैया भाभी का फोटो, मस्त लग रहा है। मेरा घर गया और आ गया ना ऐसे ही जल्दी जल्दी। हाँ, इसलिए तो आ गया हम मिलने। आंटी है इधर, आंटी भी आ रही है। कहाँ गया था? हमको लगा कच्चा जैसा दिख रहा है ना, तेल बनता है ना। हाँ, इसको छेच के निकालना पड़ता है ना। हाँ, धोने के लिए, पीने के लिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। हाँ, लोटा पानी मिलता है, कोई भी आते घर में। हाँ तो पहला पेमेंट बताया था ना कि मेरा इतना बना हुआ है, विश्वास करें। जब तुम्हारे अकाउंट में घुसेगा ना तब हम विश्वास करेंगे हाँ पैसा आता है। जब मेरा हाईएस्ट पेमेंट आया था उस दिन जब इसको लेके गए थे, देख लो कितना आता है। ससुराल गए हुए थे अपना बॉडीगार्ड के साथ में, प्रोटेक्शन लेके चलते भैया। नहीं नहीं, जैसे कि क्या बताया, शादी था ना। हाँ, इसके मन में क्या है, हाँ, हाँ, मतलब वो की, होता की था ना, झगड़ा झगड़ा करने तो फिर दिक्कत होता ना, इसीलिए हम लोग अभी देखने चलेंगे नदी, जो कि भैया का लव स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुआ था ना भैया। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार मेरा वो नहीं जाना, नहीं भूलेंगी। भाभी आ चुकी है अभी भैया के साथ में, हम लोग कुछ ही देर में चलेंगे वहाँ। चांदी चलोगी? नहीं, बहुत लगी इसको, अच्छा नहीं मानते लव मैरिज को। लाइफ तो बढ़िया रहता ना, बाद में करके सब लाइफ बर्बाद कर दिया, इसीलिए भाई हुआ। लव मैरिज बेटर है ना? नहीं नहीं, बहुत लगी इसको, अच्छा नहीं मानते लव मैरिज को। अच्छा, आप लोगों का क्या मानना है? हम लोग का मानना है दोनों इक्वल है। अगर लव मैरिज नहीं, देखिए लव मैरिज में ना मतलब हम लोग इंसान थोड़ा होता है, हमको करीब से जानते हैं जिनसे हम लोग शादी करने वाले रहते हैं, और फिर अरेंज मैरिज में तो उतना ज्यादा हम जानते नहीं ना डीपली उनको। फिर भाषा में कहा जाए तो मतलब इतना करते हैं, तो गए लड़की देखने के लिए या गांव से कि अभी कोई भी हो, ठीक है, वो क्या मतलब कि क्या कहते हैं उसको, लोटा में पानी लेकर के आ गई, ठीक ना, लो जो भी नाश्ता वगैरह लेकर के आ गई, उसका हम सब क्या चेहरा देखे, अरे यार काफी सुंदर है सच, वही देखा है, मतलब उसका किसे का क्या है, किसके साथ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब कोई जानता है। क्योंकि मेरे एक टिप मिलना ये को हो चुका, मेरे भैया शादी तो करके आ गया और एक महीना के बाद उसको सुसाइड कर ले, नासी लगा ले अपने लड़की। हाँ, माता जी जो इंसान जैसा, कोई 3 साल रहा रिलेशनशिप में, कोई 5 साल, कोई 6 साल, जिसका जैसा, एक दूसरे को बढ़िया तरह से जानते हैं कि पता नहीं लड़का कैसा है, मेरे को अच्छा से रख पाएगा कि नहीं, कि पता नहीं मारेगा कि पीटेगा क्या करेगा टोर्चर करेगा, ये तो नहीं होगा। और लव मैरिज में झगड़ा यार नहीं होता, जैसे कि भैया भाभी का झगड़ा वाला वीडियो अभी तक नहीं आया, एक भी वीडियो नहीं आया, झगड़ा होता है क्योंकि अभी तो खैर बहुत कुछ मतलब बहुत अच्छा चीज है, मतलब बहुत बढ़िया है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब तो कुछ हुआ नहीं, बस खाना पीना बस मिला था। लव किया है, लव करेंगे, प्यार में हम का झंडा गाड़ेंगे। लेकिन भैया झंडा नहीं गाड़ा है, भैया में रहते थे, बता रहे ना आपका वोट नहीं किया घर वाला ही। हम कैसे कर रहे हैं, हमको भी करने नहीं देता, हम पापा से बहुत मार खा, पापा से पूछ सकते हैं, उस दिन नहीं मिले थे ना पापा, बस मम्मी से मिले थे। पापा से हम डरे, फोनो नहीं निकालते उनके पास में, आज बोले ना कि जाइए ना हम थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करना है, भैया घर जा रहे थे, फिर पापा को बाहर भेज के हम ब्लॉग स्टार्ट करें, बहुत मार मिला उनको। फिर ऐसे में तो फिर अभी तो खुल के कर पा रहे हैं ना,
तो अभी कर पा रहे हैं, अभी पापा सपोर्ट कर रहे हैं। देखेंगे स्टार्टिंग में तो कोई नहीं करेगा, खास कर लड़की के लिए ना, कोई रिजल्ट चाहते लोग रिजल्ट। भी अभी गुरु है ना टेक्निकल, मतलब क्या टेक्निकल वाले सबको हम फॉलो किए, लेकिन जब सीखे ना तब पता चला यूट्यूब में कुछ भी नहीं है, क्लिक क्लिक बैठ है, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर वाकई में अगर ट्रिक अगर काम करता ना तो देख के जितने भी हमारे टेक चैनल चलाते हैं इनको क्या है गुरु, सबका अपना अपना ब्लॉग चैनल है, सबका उनका ब्लॉग चैनल जाके व्यू देखिए 5,000-3,000 और टेक में देखिए जाके मतलब कि 50,000-80,000 1,00,000 मिलियन भी चल जाता। अगर वाकई में कोई अगर ट्रिक होता और वो ट्रिक के बारे में बताते हैं तो ब्लॉग में अपना नहीं डालते, वही ना तो कुछ नहीं है, अगल बगल में ही है। भाभी इधर चाय लेके आ गए हैं, थोड़ा वो वीडियो बना रहे हैं। पीजिए आप लोग ठंडा में गरम गरम चाय। क्या नाम है इसका बताओ? सेब, एप्पल। और भाभी इधर है अभी किचन पे लगाया हुआ खुला। देखिए भाभी अभी हम लोग के लिए नाश्ता बना रही है। नाश्ता क्या नाम है इनका? भूल गए इनका, इनका सुनीता नहीं, नीतू। नीतू क्या बना रहे? नीतू क्या बना रहे हम लोग के लिए? सेब काट रही है। आप लड़ाई झगड़ा काहे करते हैं? हम वीडियो देखे थे है ना, वो घर में ना, पुराना वाला घर में नहीं लड़ते ना। कितने क्लास में आप? हाँ होता है, लेकिन मतलब पैर उतना नहीं चलना चाहिए ना। हम लोग भी बहुत लड़ते हैं, मेरी बहन तो पूरा बाल को नोचने लगती है। कितने क्लास में आप? 8 क्लास में। जल्दी जल्दी मैट्रिक लिखिए, आओ ना इधर, आओ ना साइड नहीं ले चलिएगा। आपका लव स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुआ था ना? हाँ, बारिश से ना क्या बोलते हैं कि वहाँ उतरते हैं ना तो वहाँ बहुत काज हो गया होगा। अच्छा, मतलब कि मिट्टी बहुत, मिट्टी से नहीं उतर पाते नीचे। कितने क्लास में थे उस टाइम? फिर जाते टेन क्लास में। चलिए हम लोग भैया लोग के लिए नाश्ता ले जा रहे हैं। भाभी भी आ रही है पीछे से, चलो आओ नीतू लीजिए, हम नाश्ता लेके आ गए। अपडेट मारे पहले आप लोग खाइए, इन लोग का घर है, ये लोग खाते रहेंगे। पकड़िए ना मेहमान सब। हाँ मेहमान सबको खिलाइए पहले। हाँ ये मेरा ही घर है, आप लोग खा लीजिए। आइए बैठिए, आनी नाश्ता कर लीजिए, भूख लगेगा फिर। कौन सा अच्छा लगता है ज्यादा? समोसा। अरे तेरा टाइम नहीं है भाई, तेरा पास नहीं। समोसा नहीं अच्छा लगता? कुछ ना कुछ नहीं बोलिए। तुम ब्लॉगर बनेगी? बड़ा वाला ब्लॉगर तो कैसे बनाती है? हां देखिए, देखिए इसका बनाती है, देखिए। अरे आप भी आ रही हो ना, नाम के लिए देखो ना, देखिए बहुत जल्दी ग्रो करेगी। सब का होगा, बस लेकर ला सही। हां सब का होगा, देखिए पब्लिक किसी की नहीं होती ना, आपके ना मेरे। जिनके पास वीडियो पहुंचेगा अच्छा लगेगा तो जरूर लेंगे। जैसे कि लगभग मैं सबसे पहले नीतू आ गई थी, नीतू के तो हूं। नीतू माता, ज्योति पता नहीं कौन है। तो अभी हम लोग सपनों का घर में बहुत ज्यादा मस्ती किए, बहुत ज्यादा बातें किए, खाना सब भी खाया, मतलब नाश्ता सब। और अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के साइड में, भैया का लव स्टोरी सुनेंगे उधर। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? और देखिए इधर प्यारा सा मंदिर है, तुलसी का पेड़ यहाँ नहीं है भैया, पेड़ तुलसी का सुंदर लग रहा है। और देखिए इधर बना है, बारिश में चूल्हा बना है। बाय बाय, नहीं हम ब्लॉग देखे थे, अपना ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ आइटला छोटा छोटा है, हम लोग घर में बड़ा बड़ा रहता। ये गांव की मॉडल का है ना? हाँ भाभी बना रही थी ना, भाभी सुंदर लग रहा है ब्लॉग में देखे थे हम लोग। और अभी हम लोग चलते नदी के साइड में।